हमारी नई पीढ़ी को जानना चाहिए कि 9 अगस्त 1942 को क्या हुआ था। महात्मा गांधी ने मंत्र दिया था और क्विट इंडिया मूवमेंट ने स्वतंत्रता की तरफ भारत के कदमों में नई ऊर्जा पैदा कर दी थी। इसी आंदोलन ने ब्रिटिश राज से मुक्ति के लिए पूरे देश को संकल्पित कर दिया। ये वो समय था जब अंग्रेजी सत्ता के विरोध में भारतीय जनमानस, गांव हो, शहर हो, पढ़े हो, अनपढ़ हो, गरीब हो, अमीर हो, कंधे से कंधा मिला करके भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा बन गया। देश के लाखों नौजवानों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, किताबें छोड़ दी थी। अगर इतिहास के पन्नों को थोड़ा जोड़ करके देखें तो भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम 1857 में हुआ। 1857 से 1942 तक की इस परिश्रम ने, इस आंदोलन ने एक ऐसी स्थिति पैदा की कि 1942 इसकी चरम सीमा पर पहुंचा और भारत छोड़ो का ऐसा बिगुल बजा कि 5 वर्ष के भीतर भीतर 1947 में अंग्रेजों को जाना पड़ा। इसी से प्रेरित होकर आज पूरा देश हर बुराई के लिए कह रहा है क्विट इंडिया। चारों तरफ एक ही गूंज है, करप्शन क्विट इंडिया, डायनेस्टी क्विट इंडिया, अपीजमेंट क्विट इंडिया।